तो वेलकम बैक गाइस, मैं होप करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 फ्रीसीज मॉडिफिकेशन दिखाने वाला हूँ मारुति सुजुकी एस्पेसो के, जो कि बहुत ही टेस्टफुली मॉडिफाई करी गई है। और भाई, बहुत से लोगों के दिमाग में ये आता है इस गाड़ी के बारे में कि क्यों ये गाड़ी इतनी ज्यादा लोगों को पसंद है, क्यों इतनी ज्यादा डिमांड में रहती है इंडिया में गाड़ी। तो भाई, कुछ रीजन है। जो सबसे पहले जो पॉइंट है, इस गाड़ी का प्राइस। इतने कम प्राइस में इतनी हैवी लोग, इतने बल्कि लोग, इतने ज्यादा परफॉर्मेंस के साथ में कोई गाड़ी नहीं मिलती इंडिया में। इसके सेगमेंट में सिर्फ एक टाटा पंच ही आती है जो काफी एक्सपेंसिव है। जहाँ पे का टॉप मॉडल फिनिश होता है वहाँ टाटा पंच का बेस मॉडल चालू होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस गाड़ी में आपको बहुत अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है अकॉर्डिंग टू मिनी एसयूवी। साथ ही इस गाड़ी में आपको 1 लीटर का पेट्रोल इंजन भी दिया जाता है, जो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्सिव इंजन है, जिस वजह से इस गाड़ी को लोग और ज्यादा लाइक करते हैं इंडिया में। क्योंकि इस गाड़ी में आपको एक तो प्राइस में भी अच्छी मिल रही है, साथ ही इसमें परफॉर्मेंस भी मिल रही है, और ग्राउंड क्लीयरेंस ज्यादा होने की वजह से इसमें आपको ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज भी अच्छी मिल जाती है। तो सारी चीजें मिला के इस गाड़ी को एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बना देते हैं। तो इस वजह से ये गाड़ी इतनी ज्यादा डिमांड में रहती है इंडिया में। पर इतनी सारी चीजें देने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है गाड़ी में। जैसे अगर इसके टायर की तरफ देखें तो टायर इस गाड़ी में छोटे मिल जाते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में जिस हिसाब से बल्की बॉडी दी है, इस गाड़ी में बड़े टायर और थोड़े वाइट टायर सूट करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों को करेक्शन करने की वजह से लोग अपनी गाड़ी को मॉडिफाई कराते हैं। और वही आज मैं आपको 5 ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूं जो बहुत ही बढ़िया और टेस्टफुली मॉडिफाई करी गई है इंडिया में। तो लेट्स गो। तो सबसे पहली मॉडिफिकेशन में रेड बुल मॉडिफिकेशन आती है, जिसमें आपको आगे तरफ फ्रंट व्हील चेंज देखने मिलेगी मैट ब्लैक फिनिश में। साथ ही इस गाड़ी में आपको अलॉय व्हील्स भी चेंज देखने मिलेंगे, जिसपे भी मैट ब्लैक का पेंट जॉब करा गया है। और बाकी आपको रूफ पे और उसके साथ में जो कनेक्ट होते हुए आ रहे हैं पिलर, उस पर आपको ग्लॉसी ब्लैक की रैपिंग देखने को मिलेगी। साथ ही ORVMs पे भी आपको ग्लॉसी ब्लैक रैप देखने को मिलेगा। और बाकी साइड की तरफ आपको ब्लैक कलर के इनर फेंडर्स देखने को मिलेंगे और साइड क्लैडिंग देखने को मिलेगी ब्लैक कलर में। और साथ ही आपको साइड जो डोर हैंडल्स हैं वो भी ब्लैक कलर के देखने मिलेंगे, जो आपको नॉर्मल एस्पेसो में बॉडी कलर से ही मैचिंग करते हुए मिलते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो अलॉयज के पीछे आपको जो ब्रेक्स हैं वो भी आपको रेड कलर में पेंटेड देखने में मिलेंगे। तो गाइस, काफी टेस्टफुली मॉडिफाई करी गई है ये रेड बुल एस्पेसो। तो गाइस, दूसरे नंबर पे सिल्वर फॉक्स मॉडिफिकेशन आती है, जिसमें आपको स्पोर्टी रियर स्पॉइलर देखने को मिलता है और साथ ही पीछे आपको रियर डिफ्यूजर भी देखने को मिलता है, जो काफी स्पोर्टी लुक दे रही है गाड़ी को। और साइड की तरफ आपको डुअल टोन पेंटेड स्टॉक रिम्स भी देखने को मिलेंगे और साथ ही आपको साइड में ब्रॉड एंड हैवी क्लैडिंग देखने को मिलेगी, जो काफी इसको हैवी और मस्कुलर लुक दे रही है गाड़ी को। और साथ ही आपको विंडोज के ऊपर आपको विंडो विजर्स भी देखने को मिलेंगे, जो इस गाड़ी को और प्रीमियम सी लुक दे देती है। तो अगर इस गाड़ी को ध्यान से देखेंगे तो गाड़ी को काफी स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की गई है, और जो काफी हद तक दिख भी रही है इस गाड़ी में, जो काफी अच्छी लग रही है। अब लिस्ट में तीसरे नंबर पे मॉन्स्टर एस्पेसो मॉडिफिकेशन आती है, जिसमें आपको आगे की तरफ इसमें हेडलाइट चेंज देखने मिलेगी विद डे टाइम रनिंग DRL, जिसकी इस गाड़ी को काफी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इस गाड़ी में जो अभी आपको स्टॉक हेडलाइट मिलती है बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड लगती है। और बाकी इस गाड़ी में आपको हाफ बॉडी ऑरेंज रैप करने देखने को मिलेगा, जो इस गाड़ी को काफी मॉन्स्टर वाली फील दे देती है, क्योंकि इस गाड़ी का जो कलर है डार्क रे हिसाब से बहुत ज्यादा ही सूट कर रहा है ये ऑरेंज कलर बॉडी रैप, और प्रॉपर इसे मॉन्स्टर वाली लुक दे रहा है इस गाड़ी को। बाकी आपको आगे की तरफ फ्रंट बम्पर चेंज देखने मिलेगा, जो ऑफ रोड फ्रंट बम्पर से रिप्लेस किया गया है, जो इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी और बढ़ा देता है, ग्राउंड क्लीयरेंस और इसे गाड़ी को दे देता है। साथ ही इस गाड़ी में आपको मॉन्स्टर टायर देखने मिलते हैं, जो इस गाड़ी को ओवरऑल काफी हैवी लुक दे रहे हैं और मॉन्स्टर वाले लुक दे रहे हैं। और साथ ही इस गाड़ी का ग्राउंड क्लीयरेंस भी ज्यादा बढ़ा देते हैं ये बड़े टायर्स। इस गाड़ी का इतना ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस बढ़ने की वजह से आपको साइड में फुट रेस्ट भी दिए जा रहे हैं, जो काफी इजी बना देते हैं पैसेंजर्स का गाड़ी से उतरने करने में, जो काफी इसेंशियल मॉडिफिकेशन है ये मॉन्स्टर एस्प्रेसो के लिए, क्योंकि इस गाड़ी का ग्राउंड क्लीयरेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है इसके मॉन्स्टर टायर्स की वजह से। साइड में आपको साइड क्लैडिंग देखने को भी मिल जाएगी और साथ ही आपको विंडोज के ऊपर विंडो विजर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो गाड़ी को और ज्यादा अच्छे लुक दे रहे हैं। बाकी आपको गाड़ी के रूफ पे बिग मेटल रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाएगी, जो गाड़ी को और ज्यादा मैसिव लुक दे रही है। अब लिस्ट में नंबर 4 पे बिग रेड मॉडिफिकेशन आती है, जिसमें आपको बॉडी किट इंस्टॉल मिल रही है, जो इंक्लूड करती है फ्रंट बम्पर, साइड स्कर्ट्स और रियर बम्पर, जो आपको बहुत ही हैवीली मॉडिफाइड मिलेंगे। साथ ही इस गाड़ी में आपको हाई एंड अलॉयज भी दिए गए हैं, जो इस गाड़ी को काफी डिसेंट सी लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। और बाकी इस गाड़ी के आपको फ्रंट ग्रिल और ORVMs आपको सिल्वर प्रिंटेड मिलेंगे, और बाकी साइड में आपको ग्रे कलर की साइड क्लैडिंग भी देखने को मिल जाएगी। और पीछे तरफ है तो पीछे तरफ आपको लिफ्ट स्पॉइलर देखने को मिलेगा गाड़ी में, और साथ ही आपको गाड़ी के पीछे वाले एरिया में टेल लाइट्स में न्यू थिक ग्रे हाउसिंग देखने को जाएगी। और अब लिस्ट में हमारे 5वें और आखिरी नंबर पे ब्लू बर्ड मॉडिफिकेशन आती है, जिसमें आपको एक ही चेंज देखने मिलेगा, वो है इसका फुल बॉडी सी ब्लू क्रोम रैप, जो सिर्फ ये अकेला एक मॉडिफिकेशन ही इस गाड़ी को एक अलग लेवल पे ले जाता है। आप देख ही सकते हैं इस गाड़ी में कितने अच्छे से काम किया गया है और कितना ज्यादा यूनिक लग रहा है ये ब्लू क्रोम रैप। तो गाइस, ये थी कुछ क्रेजी मॉडिफिकेशन एस्प्रेसो की। तो अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। और गाइस, अगर आपको ऑल न्यू फोर्ड इंडिगो 2022 के बारे में कुछ डिटेल्स नहीं पता है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं, आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस गाड़ी के बारे में।